भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की तो पाकिस्तान की खाट में निर्वाचित जीवन जी रहे खटबल हरकत में आ गए। ये वही पिपासु है जो वक्त वक्त पर भारत के लिए पायजामे फाड़कर ना पाकिस्तान का गाना गुनगुनाते हैं। इन्हें फिर से चीन से अपनी दोस्ती की दावतों की महफिलें याद हो आई है। इसका मतलब यह है कि भारत लोकतांत्रिक आधार पर जैसे दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए उनकी मदद करता है, चीन उससे इतर अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को मोटे सूद पर कर्ज दे रहा है। इमरान के सलाहकार जुल्फी ने कहा है कि जैसे भारत ने श्रीलंका को 40 करोड़ डॉलर दिए हैं, चीन से पाकिस्तान को इससे भी बड़ी मदद मिलने जा रही है। यानी भिखारी लाहौर की हीरा मंडी के नुक्कड़ पर बैठे या फिर वजीर आजम हाउस के बाहर, उसका स्टैंडर्ड एक समान ही रहता है। यह सब तब हो रहा है जबकि अगस्त 2018 में इमरान ने पाक का वजीर आजम बनने के बाद कहा था कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान भी दुनिया के गरीब देशों को कर्ज दिया करेगा। वह कर्ज तो नहीं दे पाए, उल्टे डेढ़ साल के कार्यकाल में 13 अरब डॉलर का कर्ज लेकर पाकिस्तान के इतिहास में नाम रोशन जरूर कर दिया। मजे की बात यह है कि शेख चिल्ली के पोते ने आधी रात में तहमद से जीरा छानने की कोशिशें की है। इमरान लोंडे ने पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की भारी कमी करके उस मदरसा पैदाइश को खुश कर दिया जिन्होंने वर्ष 2014 में डी चौक पर झुंझुने खनकाए थे। मतलब जिस मुल्क में 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, वहां पेट्रोल के दामों में 25 पैसे की कमी जनता को सुकून देने वाली है। आज सुबह 6 बजे से ही पाकिस्तान में गधैया नर्तक करके उत्सवों की श्रृंखला शुरू हो गई है। यानी पाकिस्तान ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए तब्दीली की सलवार का सिरा पकड़ लिया है। जुल्फी की जुल्फे लहराने की एक वजह भी यही है। इस चिकने घड़े को लगता है कि मोदी ने श्रीलंका को जो 40 करोड़ डॉलर दिए हैं, वे पाकिस्तान को चिढ़ाने का उनका अंदाज है। जनाब का कहना है कि उनका भी वक्त आएगा। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का वक्त तो मोदी के पहले कार्यकाल से ही खराब चल रहा है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा इतना इमरान खान को नहीं जानता जितना मोदी से परिचित है। इसका कारण यही है कि पाकिस्तान ने अपने नालायक वजीर आजम की फटीचरी का ठीका मोदी पर फोड़कर अपने तैमन बचाने का मंत्र रट लिया है। यानी खाली कटोरों को सूखी जिह्वा से चाटता पाकिस्तान अपने दुर्दिन का श्रेय मोदी को दे रहा है। खास तौर से पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद बात बात में बकलोली की रसीद काटकर उस पर मदरसा छाप जनता के हस्ताक्षर ले ही लेते हैं। इस रेल मंत्री कम पाकिस्तान में पेलम पेल मंत्री ज्यादा कहा जाता है, क्योंकि परमाणु बम से लेकर करतारपुर कॉरिडोर तक इसने इमरान की सिलेक्टेड सरकार को खूब पेला है। जनाब का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर जनरल कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपज थी, इमरान लोंडे की इसमें कोई भूमिका नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर भारत को घेरने की बढ़िया योजना है। इसका मतलब यह है कि जिस मुल्क की जनता भिखारियों के वेश में लंगर खाने के सामने पंक्तिबद्ध खड़ी है, उसकी चिंता इस मुल्क के नेताओं को नहीं है। भारत को घेरने के चक्कर में करतारपुर कॉरिडोर पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर यह नेता मुफ्त में 400 तैमन का वितरण नहीं कर सके। बड़ी बात यह है कि चले थे तो भारत को घेरने, पर वहां तो श्रद्धालु पहुंच ही नहीं रहे, जिससे अब पाकिस्तान प्रतिदिन 3 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रहा है। पाकिस्तान को अपने जुबानी खर्च से पेलने वाले इस मंत्री को जरूर सोचना चाहिए कि उन्होंने भारत को घेरा है या इस चक्कर में कंगाल पाकिस्तान की लुटिया डुबाई है। अगर पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर पर ज्यादा उधम नहीं मचाकर शांतिपूर्ण तरीके से इसे खोल दिया होता तो आज पेट्रोल पर 25 पैसे नहीं 2.5 रुपए कम किए जा सकते थे। भारत द्वारा श्रीलंका को दिए गए 40 करोड़ डॉलर से भी इनकी तसरीफ पर कछुए नहीं चलते। पर यह पाकिस्तान है, मदरसों से मिले तमाम ज्ञान ने ही इन्हें इतना अकलमंद बनाया है। नवाज शरीफ तो बाकायदा अपने समकक्ष और मीटिंग हॉल में मुगलों की तस्वीरें लगाकर उसका प्रदर्शन करते रहे हैं। इमरान खान मुगलों की तस्वीरें तो नहीं लगा पाए, पर घबराना नहीं का बोर्ड उन्होंने जरूर टांग रखा है जिसे वह रोज देखते हैं, फिर बाहर आकर तब्दीली की आस में बैठे लोगों को बोलकर लौट जाते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे की कमी करके लोगों को फिर से यही बोला गया है कि घबराना नहीं।
अभी 12 पैसे की कमी और हो सकती है। वैसे इसमें ज्यादा चौंकने की जरूरत भी नहीं है, भिखारियों की हैसियत 10-20 पैसे वाली ही होती है। ये इमरान लोंडा भी समझता है कि पाकिस्तान की कौम की हालत 20-25 पैसे वाली है, इसलिए 25 पैसे की बख्शीश देकर तब्दीली लाने की शुरुआत कर ही दी गई है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।